हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी करंट में आप देखोगे तो अभी यहाँ पे एक हॉट में चल रहा है अपना ये अमीर सिद्दीकी नाम का कोई है टिकटॉकर, उसने एक ट्रेंड चालू किया है यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। अभी लगता है उसको अकल ठिकाने लगाने पड़ेगी अपने कैरी भाई ने और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ही उनके लिए। तो अब हमारी बारी है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी विल स्टार्ट फ्रॉम उसकी उसने एक वीडियो अपलोड की थी, तो अपन वो देखते हैं उसमें है क्या। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ। तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे। एक मिनट भाई, मैंने तो आज तक ऐसी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी जिससे कि मेरे को गमछा पहनना पड़ेगा। तू गमछा क्यों पहना? तू इस गेटअप में इसीलिए क्योंकि तूने वीडियोस देखी सारी? तू पागल हो गया भाई, तेरे को कोई डॉक्टर का अच्छा कॉन्टेक्ट देना पड़ेगा लगता है। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा बेटा, पॉइंट अच्छे लगे, कोई हेट नहीं है। अभी तो 2 सेकंड पहले क्या बोल रहा था, वाहियात बातें, वाहियात सोच। सही में देखो डॉक्टर की जरूरत है, बाल भी ऐसे मोमबत्ती की तरह खड़े हो गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। मैं भी मानता हूँ ये बात। आई अग्री। देख सब लोग तो क्रिंज कंटेंट नहीं बनाते, यही कुछ 95-97% क्रिंज बनाते हैं, बाकी लोग नहीं बनाते कुछ कंटेंट, कुछ मतलब उतना ही होता है। आई अग्री। क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। अभी अगर हम लोग इनका कंटेंट लेके आ रहे हैं तो जैसे कि इनका ओरिजिनल कंटेंट हुआ, ओरिजिनल कंटेंट के अंदर ये तो बीवी की वॉइस यूज ही नहीं करते हैं, कोई भी बड़े यूट्यूबर्स की वॉइस यूज नहीं करते, ओरिजिनल कंटेंट के अंदर ही यूट्यूब को यूज ही नहीं करते हैं ना बिल्कुल भी। सारे इनके आधे से ज्यादा वीडियोस यूट्यूब के होते हैं, सारे जो बड़े चैनल्स होते हैं ना, अमित भड़ाना ले लो, बीवी की वॉइस ले लो, आशीष चंचलानी ले लो, कोई भी बड़े यूट्यूबर्स, सबकी वॉइस यहाँ पे आती है और बोल रहे ओरिजिनल कंटेंट। और कौन से बड़े यूट्यूबर ने भाई तेरा ओरिजिनल कंटेंट चोरी कर लिया? जितने भी किए होंगे देखो रोस्ट करने के लिए किए होंगे, और वो भी तो उनको कॉपीराइट क्लेम डाल नहीं सकता है, ठीक है। और तू ये बोल रहा है कि हम लोग इंटू 100, मतलब कोई भी चीज अपोज में आए तो इंटू 100 है यार, सही में इसको है ना हॉस्पिटल की जरूरत है एक। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अभी भाई लोग ये बोल रहे हैं कि ये कॉपीराइट क्लेम की बात कर रहे हैं, ठीक है सीसी। अभी बात ये आती है कि सीसी आप आपने टिकटॉक पे सबसे ज्यादा क्या देखा है? गाने। और तो गाने उनके ओरिजिनल हो गए, मतलब ये कॉपीराइट क्लेम इनके गाने, ये कॉपीराइट अगर हमने इनका गाना यूज किया तो ये कॉपीराइट क्लेम हम पे डालेंगे, जबकि गाने की प्रॉपर्टी किसी और की या कुछ और सबका किसी और का। और ऊपर से जो हम गाने यूज कर रहे, तुम जो आधे ज्यादा वॉइसेस यूज कर रहे हो ना, वो खुद बड़े यूट्यूबर्स की है, तो तुम उनको यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट नहीं है जो तुम कॉपीराइट क्लेम करो। यार कौन समझाएगा इनको यार। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। भाई पहले तो टॉवल संभाल ले, उसको कोई चिटकनी विटकनी से बांध के रख, बार बार गिर रहा है। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। अच्छा बेटा तू हमको लाफा मारेगा? हाथ तो लगा के दिखा तूने, किसी को यूट्यूब में से किसी को हाथ लगा दिया ना कंटेंट क्रिएटर को? हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो सही बात है ना यार, तुम लोग यूनिटी में तो रहोगे ही ना, क्योंकि जो गीदड़ होते हैं ना वो झुंड में होते हैं, शेर अकेला चलता है। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तुम अगर दिन की 10 वीडियो भी बनाते हो ना 15 सेकंड की, तो 150 सेकंड हुए बस, मतलब गिन चुन के यहाँ पे 2-3 मिनट भी सही, 3 मिनट भी सही से नहीं हुआ है। तो अगर दिन की तुम 10 वीडियो बनाते हो तो भी हमारे आसपास भी नहीं पहुंच रहे हो कंटेंट के अंदर। और रही बात कंटेंट कॉपी करने की,
कोई भी एक भी वॉइस वायरल होती है ना, तो वहाँ पे हजारों मिलियन ऑफ लोग उसी वॉइस को कॉपी करते हैं। और यहाँ पे कोई एक टॉपिक वायरल होता है तो एक टॉपिक वायरल होता है, कंटेंट वायरल नहीं होता है। टॉपिक भले लगभग लगभग सब सेम रखे, बट जो अंदर कंटेंट होता है ना वो सबका खुद का होता है। वॉइस सबकी खुद की होती है, एक्टिंग सबकी खुद की होती है, सेटअप सबका खुद का होता है। तुम्हारे जैसे नहीं एक पीछे काला कपड़ा लगा लिया, कपड़े पहन लिए और वही सेम वॉइस पे लिपसिंग करोगे, नहीं भाई। हम लोग का सबका अलग कंटेंट होता है, ठीक है। टॉपिक सेम हो, तुम्हारा तो कंटेंट सेम, वॉइस सेम, लगभग एक्टिंग भी सेम। ये नहीं टिंग 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 टिंग, कहाँ गया ये? कितने लोगों ने बनाया ये वीडियो, देख जरा। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। तो भाई पहली बात, YouTube कोई मार्केट नहीं है, ये कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है। ये बोलता है कि YouTube, अगर हम आप YouTube पे आ गए तो तुम्हारा वहां से मार्केट खत्म हो जाएगा। कोई मार्केट नहीं है भाई, यहाँ पे हम लोग के सपोर्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो हम लोग को सपोर्ट करते। तो अब क्या बोलूं मैं तुमको यार, तुम YouTube पे आओगे उसके लिए होना चाहिए पावर, उसमें होना चाहिए औकात जो तुम्हारी नहीं है। Instagram पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अच्छा, अब तू Instagram एंगेजमेंट की बात कर, Instagram फॉलोअर्स की बात कर रहा है। ये देख ये वाली जो साइट है ना, ये वाली साइट, इसके ऊपर ये देख Instagram फॉलोअर्स, इसके अंदर रेट देख तू। इस तरह सेकंड वाले देख ले, $0.3 का। अगर तू यहाँ पे 10,000 फॉलोअर्स, तेरे कितने है? 6,500 ना, कितना है? $200, सिर्फ $200 के अंदर। तो तेरे को देख ले कितने, 10-15 हजार के अंदर अंदर तेरे जितने फॉलोअर्स किसी के भी हो सकते हैं। तो ये तुम लोग जो फेक फॉलोअर्स खरीदते हो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग भी खरीद सकते हैं, बट हम लोग खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हम लोग भी रियल। अब चलो कुछ लोग बोलेंगे कि पूरे फेक नहीं है भाई, आधे से ज्यादा तेरे फेक है। और रही बात, कुछ लोग बोलेंगे कि क्या प्रूफ है तेरे पास, आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो, ये उसका इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये उसका इंस्टाग्राम है अमीर का, ये ठीक है। उसके इंस्टाग्राम में अभी लेटेस्ट फॉलोअर्स है। अभी ये देखो, इसका यहाँ से पोस्ट चालू होते हैं, ये इसका पोस्ट है, इसके फॉलोअर्स है 5.5 मिलियन। तो ये देखो इसकी लाइक्स कितनी है, 50,000। दूसरा एक पोस्ट गलती से हो गया होगा, उस स्कर्ट वाली पोस्ट का 62,000, फिर 57,000, फिर 60,000, फिर 61,000, 44,000, 45,000। बोल तो रहा हूँ, इन लोग के 5 मिलियन फॉलोअर्स, 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं इनके, और इनके लाइक्स 50,000, 60,000। बस तेरे 5.5 लाख फॉलोअर्स है और इसके तेरे लाइक्स इतने आते हैं 50,000। ये फॉलोअर्स की जो है ना, मैंने तेरे को रेट बताया $200, सिर्फ $200, 14-15 हजार रुपए के अंदर 6,500 फॉलोअर्स कोई भी रख दे। और ये 14-15 हजार रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। टिकटॉक तुमको इतना पैसा देता है ये मुंजरा करने के लिए, तो तुम्हारे पास तो होंगे ही, तो इसलिए तुमने अभी तो खरीदा है। अगर तुम्हारा भी हिस्ट्री निकालो ना, कितने फॉलोअर्स एक खोल के दिखाओ ना, तुमको पता चल जाएगा कितने रियल और कितने फेक है। आप सारे यूट्यूबर्स भी तो आ चुके हो यहाँ पे, तो वो जगह को रोस्ट करके और वो जगह के बारे में गलत बात करके फिर तुम उधर ही वीडियोस डाल रहे हो, तो थोड़ा अजीब लगा मेरे को, सोचने वाली बात है। मैं आपके लिए एक गाना लाया हूँ, तेरी माँ कब हो, प्लीज इसी दिल पे बता लीजिएगा क्योंकि ये मेरा बचपन का गाना है। तेरी माँ कब हो लापन, वाह 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 वाह, तेरी भेड़ की चूड़ियाँ, वाह 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 वाह, तेरे बाप का लंदन में है बीजेनी।